तो गाइज ये MG Aster है, इसमें आप देख सकते हैं कि कितनी ब्राइट हेडलाइट है। उसके अलावा आपको DRL और फॉग लैंप मिल जाता है इस गाड़ी में। इसके टायर साइज़ जो है वो आपको 17 इंच का पड़ जाता है, वो विद डायमंड कट अलॉय व्हील। पेंट क्वालिटी आप एकदम कितनी अच्छी, ऑटो फोल्डिंग ORVM है। दो रिक्वेस्ट सेंसर आपको इस गाड़ी में मिल जाएंगे। उसके बाद आपका वो पेट्रोल वाला आपको राइट साइड ही मिलेगा। फिर इसका पीछे का लुक देख लेते हैं गाइस। गाड़ी कितनी शानदार और कितनी एकदम प्यारी सी गाड़ी लग रही है, एकदम प्रीमियम। उसके बाद आपको दिखाते हैं कि ये गाड़ी की ओपन डिग्गी जो है ये बहुत अलग तरीके से बूट स्पेस ओपन होता है। तो गाइस ये देखिए इतना बढ़िया अलग फीचर है। इसमें बूट स्पेस भी आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। इसमें साइड में आपको पॉकेट्स मिल जाती हैं और आराम से आप कुछ अराउंड 3 से 4 बैग आराम से रख सकते हैं। इसमें इस सेगमेंट का सबसे बड़ा कहते हैं सबसे बड़ा बूट स्पेस भी है, बहुत ज़्यादा स्पेस है इस गाड़ी में। और फिर आपको इसमें ऑटो डाउन फंक्शन नहीं मिलता है, आपको खुद से मैनुअली करना पड़ता है। उसके बाद हम आ जाते हैं रियर सीट्स पे। तो गाइज हम पीछे आ गए हैं, पीछे वाली सीट्स पे आ गए हैं। आप देख सकते हैं कितनी प्रीमियम फिनिश है गाड़ी की। अब मैं इसका बैठ के देखता हूँ। अंडर थाई सपोर्ट आप जैसे कि देख पा रहे हैं एडवोकेट है, वो अच्छा है। और आगे की आप लेग रूम भी आप देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा है। आपको अराउंड आपके 2 हाथ ज़्यादा स्पेस आपको मिल जाता है लेग रूम में। उसके बाद आगे देखते हैं तो इसमें स्पेस रियर सीट्स में जो भी बैठता है उसमें हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छी खासी स्पेस मिलती है। और इसी के साथ हमें 3 हेडरेस्ट भी मिल जाते हैं, तो सेंटर पर्सन जो होगा उसको भी हेडरेस्ट मिल जाएगा। इसमें आपको पीछे भी AC मिल जाते हैं और 2 USB सॉकेट मिल जाते हैं। तो गाइस अब आगे का इंटीरियर आप देख सकते हैं कितना प्रीमियम, कितना लेदर फिनिश, लेदर का ट्रीटमेंट इन्होंने दिया है, कितना बहुत अच्छा आपको इंटीरियर मिल जाता है। चलिए गाइस आगे अब चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या फंक्शन है गाड़ी हमें प्रोवाइड करती है। तो अब हम सीधे चलते हैं ड्राइविंग सीट्स पे। आपको इस पे रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है इस डोर पे। आप डोर पे आपको आगे चारों विंडो के आपको कंट्रोल मिल जाएंगे। नीचे आपकी 1 लीटर की बोतल आराम से आ जाएगी। उसके बाद MID, आपको MID दिखाता हूँ गाइस। इसकी MID का लुक कितना प्यारा, इतना सेक्सी है कि आपको खुद इस गाड़ी के MID से प्यार हो जाएगा, इतना प्यारा है MID। मेरा तो मन कर रहा है मैं बार बार इसको स्टार्ट ऑन ऑफ करूँ। तो गाइस चलिए आज पूछते हैं Aster से कि कैसा लग रहा हूँ मैं फिर आज। तो स्टार्ट करते हैं। हाय Aster, हाउ एम आई लुकिंग टुडे? तो गाइस मैंने ऑडियो सराउंडिंग साउंड्स म्यूट कर दिया था, इस वजह से आपको पता नहीं चला, लेकिन बहुत अच्छा रिस्पांस था। तो आगे की आप फिनिश देख ही रहे हैं कि इंफोटेनमेंट स्क्रीन में आपको काफ़ी फंक्शन मिल जाते हैं। एंड्रॉयड ऑटो मिल जाता है, एप्पल कारप्ले मिल जाएगा, JioSaavn मिल जाएगा। जियो का आपको 4G का सिम भी मिलता है, इसका शायद 3 साल का इसमें आपको रिचार्ज रहता है। तो आप कहीं पर भी गाने वगैरह सुन सकते हैं ऑनलाइन। अब इसमें मैं कोई भी गाना प्ले कर सकता हूँ। तो गाड़ी में 6 स्पीकर्स मिल जाते हैं, 4 दरवाजे पे और 2 ट्विटर्स। और ऑडियो क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और काफ़ी टच वगैरह भी काफ़ी आपका स्मूथ चलता है। कोई ये भी नहीं है कि आपको टाइम लगे। इसमें आपको वॉल्यूम कंट्रोल्स, नीचे बटन्स मिल जाते हैं, AC कंट्रोल्स मिल जाते हैं। काफ़ी टच काफ़ी स्मूथ है, कोई लैगनेस वगैरह मुझे तो नहीं लगी। और फैन स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा सही है। उसके बाद आप स्टीयरिंग कंट्रोल्स पे आते हैं, तो आपको यहाँ पे गाना चेंज करने का, वॉल्यूम बढ़ाने और म्यूट करने का, कॉल उठाने का, और आपको ये सब फीचर्स मिल जाते हैं। और आप देख रहे हो कि गाना चेंज हो रहा है और इधर वॉल्यूम मैंने बढ़ाई थी अभी, अब ये सॉन्ग चेंज हो रहे हैं। दूसरी साइड आपको MID के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। अब इसमें आप वो आपकी गाड़ी की इंफॉर्मेशन बताएगा। इसमें आपको MID के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, टायर में कितना प्रेशर है और भी सारी डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाते हैं। और इसके मेरे को सबसे ज़्यादा जो प्यारे लगे हैं वो इसके AC वेंट गाइस, क्या प्यारे हैं। और उसके बाद नीचे ही आपको ORVM के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ऑटो फोल्डिंग ORVMs हैं। तो आप नीचे वहाँ पर आप टैप करेंगे नीचे की तरफ तो ORVM बंद हो और ओपन हो जाते हैं। तो गाइस अब ये रहा आपकी पावर विंडो की स्पीड भी काफ़ी सही है, नॉर्मल है, कुछ ना ज़्यादा तेज़ है ना ज़्यादा स्लो है। तो ऑल ओवर मुझे गाड़ी तो बहुत पसंद आई। आपको कैसी लगी बताइए।